पंजाब विधानसभा दीआं चोणां दी तारीख जिवें जिवें 20 तारीख नज़दीक आ रही है उवें उवें हर उम्मीदवार अपनी जित नूं सुनिश्चित करन वास्ते एड़ी चोटी दा जोर लगा रहा, दिन रात मेहनत कर रहा। ते अज लुधियाणा हलका सेंटर दी गल कर लैणे, उत्थे पहुंची है टीम साडी। अज लुधियाणा हलका सेंटर दे विच श्रोमणी अकाली दल तो चोन लड़ रहे प्रितपाल सिंह पाली जी ने अज मुख दफ्तर खोलिया। की कहना चाहोगे जी, अज कांटे की टक्कर हो चुकी है, कांग्रेस एक पासे है, श्रोमणी अकाली दल एक पासे है, दूसरा बहुत भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो होर संयुक्त समाज मोर्चा भी कहते मैदान में आ गया। की कहना चाहोगे, किस तरीके ने टक्कर देखते हो? सब तो पहला उस अकाल पुरख का धन्यवाद, जिन्हों की अपार बख्श के रहमत का सदका अज का जो संगत के सहयोग दफ्तर का उद्घाटन परमात्मा की रहमत से सदका शीस लैके अच्छ शुरू किया गया। सुखमणी साहब के पाठ आरंभ तो आरंभता तो बाद संगत ने बहुत व्डा मिलवर्तन से प्यार दिता। मेरी किसी कोई टक्कर नहीं, जड़े कहते टक्कर मेरी तो किसी टक्कर नहीं। मैं तो हाथ बने उन्होंने बेनती कराँगा, भाई प्रतपाल सिंह अपना वा, प्रतपाल सिंह वोटा पा के चोर निशान तकड़ी के मोहरा ला के कामयाब करो। टक्कर तो उदों पता लगू जिदन सत्कारयोग संगत ने प्यार देना, संगत ने आपे एक पास काम कर देना, किसी कह की लड़ नहीं, किसी माड़ा चंगा किसी ने कुछ भी नहीं कहता। सारे मेरे सत्कारयोग ने, मैं सारे का धनवाद करता जिन्होंने अच्छ दफ्तर के उद्घाटन से अपने समय से समा कढ़ के हुम हुमा के वड्डी गिनती पुजे ने। समुचियां संगतां भैणां वीर मातावां बच्चे और सारिया ही धर्मां दे लोक अज सारे शमूलियत कर रहे ने। मैं सारिया ही धर्मां दे सत्कार करता ते करता रहूँगा। उन्हां सारिया दा कोटान-कोट धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज बहुत वड्डी गिनती दफ्तर पुज के अपनी हाजरी दवाई और परमात्मा दे चरणां च इसे तरह ही परमात्मा कृपा दा हाथ रख के अपने बच्चे दे सिर ते हाथ रख के संगतां दे विचरण दा प्यार लैण दा बल बख्शे। संगता इस प्यार शीसा थापड़ा देंदिया रहन। जिहड़े पहला 10 साल रहे इत्थे अपना MLA, वह कहिंदे मैं बहुत विकास किया, मेरे नाल किसी की टक्कर नहीं। तुसीं भी कहिंदे मेरे नाल किसी की टक्कर नहीं, कि मानदे उन्होंने विकास किया तां लोग दुबारा उन्होंने की चुनणगे? संगता दसणगी ना की विकास किया है, जो उन्होंने विकास किया अपने घर का जरूर विकास किया, बाहर का नहीं, कहीं अपने घर का अपने बच्चों का उन्होंने विकास किया, सारे पता ही है। हल्का सेंटर का कोई विकास तुहानू सारयां नूं पता ही है? मैंने नहीं, तुसीं दसना, दर्शक देख रहे, तुहानू तुसीं दसो होया विकास होया हुंदा फिर संगतां इन्नी होम होम आके क्यों पुजदियां? इह संगतां ही रोह है ना, तां ही वड्डी गिणती विच संगतां पुज रहियां ने। आम आदमी पार्टी कितना देखते हैं? मेरे सारे ही सत्कारयोग ने, मेरे वीर ने। दुबारा आम आदमी पार्टी इस वेले मैदान च आ गई, संगतां ने आपे ही दस देना किहड़ा आम है किहड़ा खास है, सारे विचों ही अगे है, सारे अपने विचों ही नेगे, वह सारयां नूं पता ही है। तो मैं सतवाल जी भी जुड़ के जुड़ चुके ने, किस तरीके ना श्रोमणी अकाली दल की देखते हैं सीट, क्योंकि असले प्रॉपर जिहड़ा मुकाबला बहुत दिलचस्प है, टक्कर पूरी है, इस कोई किंतु परंती नहीं, हर आदमी जिहड़ा है, हर कैंडिडेट आ, हर पार्टी जिहड़ी कहिंदी है मैं मजबूत हाँ, तुहाडी दावेदारी किदां मजबूत? बिल्कुल जी, देखो दावेदारी की गल है कि जरूर जिवें तुसीं हुण गल कर रहे सो कि पिछले 10 साल च तुहाडे MLA ने तुहाडे लई की कीता, और हलका सेंटर दे लोक एक तो इत्थे हरेक कम्युनिटी भाईचारा इत्थे इस इलाके च रहिंदा, इस हलके च रहिंदा, चाहे खत्री रोड़ा भाईचारा, चाहे सुनहरा भाईचारा, जैनी भाईचारा, बाणिया भाईचारा, राजस्थान भाईचारा, पाठ सिंह भाईचारा, ये ऐसा एक हलका, एक ऐसा हरियावल दस्ता है कि जिथे बहुत अच्छी खुशबू हरेक कम्युनिटी की आती है, और पढ़े लिखे सुलझे लोग ने कि पिछले 10 साल तो लगातार साढ़े MLA साहब ने विकास, मैं समझदा कि जो 2017 च जदों कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया पिछली इलैक्शन आई, सर सुखबीर सिंह बादल जिते खड़े हैं गुरद्वारा दूखमारन तो लैके सगन पैलेस तक इस नाले का उद्घाटन करके गए थे, थानू पता इतने घटो घट 10 फुट चौड़ा नाला से और काफ़ी डूंगा नाला से, और ये इलाका बदबू नाल हमेशा रहिंदा सी, और गर्मियों च जिते बहुत ज़्यादा मच्छर मलेरिया होर कई तरह दी बीमारियां इन इलाके दे लोगों नूं लगदियां सी। मैं करोड़ों रुपए लागे नाला छत्या नहीं, बिल्कुल आंटी पा लो तुसी जी, वो तो बिल्कुल तथा तो है, वह तो सरकार के खात्या जी है, कि सरकार कौन कर गया, सर सुखबीर सिंह बादल ने इन्होंने उद्घाटन किया और गौरमेंट अकाली दल च ये बनया। हाँ जदों कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया दो पुलियां रह गई जी, गुरुद्वारा दूखमारन साहब तो लैके सगन पैलेस तक टोटल नाला बन गया, टोटल अंडरग्राउंड सारिया पाइपा पै गई, बिजली फिटिंग अंडरग्राउंड हो गई, टोटल कंप्लीट 100 फुट चौड़ी सड़क है, ये नाला छत्या गया। एक ईसा नगरी की पुली, एक इस्लामगंज 16 कुचे की पुली रह गई, सरकार बनन तो 2-2.5 साल 3 साल से 20-20 फुट चौड़िया पुलिया नहीं इन्हों को बनिया,
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਆ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਆ 4 ਲਾਈਨ 6 ਲਾਈਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਏਸੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਥਾਣੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 110 ਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ 5 ਕਾਰ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ 110 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਲਾਨ 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 ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੰਨੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ BJP ਦੇ ਤੋਮਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ED ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ED ਦੇ ਰੇਡ ਪਾਈ, ED ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ MLA ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜਾ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ 2013 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ED ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਵਡਾਟਾ ਵਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਡੰਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ED ਦੀਆਂ ਰੇਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਫਾਸਟਵੇ ਵੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਵੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ED ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 2 ਦਿਨ ED ਦਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
डिबेट रख लैन, अपने कागज़ ले आन भी एक बंदा जिहदी हले कोठी भी चज नाल तैयार नहीं हुई, वह टुटी कोठी के 11 करोड़ रुपये तो इन्ना सोना मिलता पिया, उसका हिसाब दे देन। हिसाब दे के कह दें जी आ साडी पैसे की कमाई है, साडे बिजनेस की कमाई है, आ साडे कोल हिसाब है, सारे लोग शांत हो जाएंगे। ये रौला पान नाल भी पोलीटल वडंटा, पोलीटल वडंटा उसका हिसाब दे देन। हिसाब क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 2 नंबर की कमाई है। एक शुक्र करो 111 दिन के इन्होंने इन्ने करोड़ रुपए छापे ने, हले थोड़े दिन रुक जो, जो होर खुलासे होने ने। अज मजिठिया साहब ने कहा भी एक वड्डे स्कैम का असं खुलासा करांगे, तुसी थोड़ी देर रुक जाओ, करोड़ों का जिहड़ा मल्टी स्कैम 111 दिन के विच होया वह भी हो जाएगा। यह कहिंदा मैं आम बंदा, आम बंदा जे 111 दिन के विच इन्होंने करोड़ों रुपए करते तो यह जे आम बंदे तो रब ही बचावे। तो दूजी गल करते हो तुसी आम आदमी पार्टी की, हुण तुसी ये देख लो भी आम आदमी पार्टी का तो यह हाल है, वह कहिंदे सी जी आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। 80 विधायक इन्होंने वो अनाउंस किए हैं जिहड़े BJP अकाली दल या कांग्रेस छड़ के गए हैं, तो इन्हां दे कोल किहड़ा इह जिहा इन्हां ने चश्मा बनाया होया है पानी का भी जिहदे विचों दूजी पार्टी का उही लीडर ने जिन्हां दे खिलाफ ये एलीगेशन लांदे सी, अज इन्हां दी पार्टी ज्वाइन कर ली वो पवित्र होके। तुहानूं फायदा होएगा जे कांग्रेस चो निकलणगे ते कांग्रेस दी वोट टुटूगी, अकाली दल नूं फायदा होएगा नुकसान होएगा? ओ जी पार्टी बंदा उही छड्डदा है जो उदा आधार पार्टी समझती है भी खत्म हो चुके है, जो बंदा एक काम करन तो बिल्कुल दूर हो जाता है। देखो पार्टियां बड़ी सूझवान होंगे ने, लीडर बड़े सूझवान होंगे है, जो तुम आ लोगों का उत्साह देख रहे हो, ये क्यों है? ये लोगों का प्यार है कैंडीडेट नाल, ठीक है जी। हुण कई कैंडीडेट होंगे जिहड़े आप ही पक्खी चली जाते हैं, दफ्तर च बह के आप ही चाह पी जाते हैं क्योंकि उन्हों का आधार नहीं होंगे। हुण इह जे लीडर बरसाती लीडर होंगे ने, तुसी सवेरे उन्हां दी आम आदमी पार्टी टिकट कढ दे, जे केजरीवाल का पिट स्यापा ना शुरू कर दें तां तुसी कहना। हुण राघव चड्डा दे नाल देखो ये दूजी पार्टियां एलीगेशन नहीं ला रही, पिछले वेले भी एलीगेशन लगे भी संजय सिंह करोड़ों रुपया पंजाब का लुट के लै गया, राघव चड्डा नूं लोगों ने मारना मारना शुरू, मीडिया करके बच के गड्डी च निकल गया, हुण भी उही एलीगेशन लग रहे ने। जिहड़े इन्हां दे जिन्हां ने पार्टी शुरू की, जिहड़े इन्हां दे वलंटियर ने, ये कहिंदे जी पंजाब च साडा बहुत आधार है। देखो ना तो इन्हां दे कोल पंजाब का कोई बंदा है जिन्हूं ये इंचार्ज ला सकन, दिल्ली तो इन्हां दे लीडर आंदे ने, दिल्ली तो सारे फैसले, क्योंकि ये पंजाबियों नूं ना पसंद करते हैं ना पंजाबियों ते यकीन करते हैं। आपां हलका सेंटर की गल कर लैणे आ, तुसीं आधार की गल कीती, अज पहली बारी तुसीं इस सियासत विच पाली प्रधान जी ने कदम रखिया कि वाकई उन्हां दा आधार हैगा सेंटर च, तुहाडी चीज जिहड़ी जित है सुनिश्चित हैगी? देखो जी जिहड़ा मैनू शब्दों की लोड़ नहीं है, जिहड़ा ठाठा मारदा लोगों का इकट्ठ है, ये आप ही यकीन दवा रहे हैं भी जिहड़े साडे कैंडीडेट ने प्रितपाल जी, उन्होंने हरेक वर्ग नाल तुहानू इत्थे हरेक वर्ग के लोग मिलणगे, ये प्यार ही है लोगों का, ये पैसे दे के खरीद के इकट्ठ नहीं किया होया, ये इत्थे दे सेंट्रल हल्के दे लोग ने, अलख अलग जिहड़े अलग अलग हल्कियां तो नहीं आए, ये सेंट्रल हल्के दे अलग अलग महल्लियां तो आए, क्योंकि इन्हां नू प्यार है, इन्हां नू प्रितपाल जी दे नाल प्यार है, तां इत्थे आए ने। जिहड़ी तुसीं कहिंदे हो विकास की गल, आ जिहड़ा नाला जी सिर्फ यही एक विकास है, इत्थे कह दिंदे आ जी साइकिल चला लो ये करा लो, जबकि ये देन श्रोमणी अकाली दल दी है। दूजा नशा घर घर वेक रहा है, लोग परेशान ने, गुंडागर्दी वध चुकी है, घर घर दे विच बुक्की खुल चुके ने, जुए दा अड्डा है। तुहानू याद होएगा तुहाडे चैनल ने ही एक डिबेट दे विच रिपोर्ट दिखाई सी भी इत्थे एक नौजवान किसी माँ का पुत, किसी भैन का भरा, किसी साडी भैन का सुहाग उजड़िया नशे नाल, ते अगे मोमबत्ती लैके MLA ते कौंसलर एरिए दा घूम रहा है, ते जदों तुसी पुछिया भी इत्थे नशा वेक रहा, कहिंदा जी सानू पता नशा वेक रहा है, सानू ये भी पता भी नशा किते वेक रहा, पर पुलिस वाले साडी नहीं सुनदे। वो थोड़ी सरकार च जे थोड़ी पुलिस नहीं सुनदी इहे जे MLA नू ते इहे जे कौंसलरां नू, तां लोकां नू उस वेले फतवा दे देना चाहुंदा भी तुसी जाके घर बैठो, जिहड़ा अपने घर दे विच सुधार नहीं कर सकदा वो किते सुधार नहीं कर सकदा। होएगा कि हुण फतवा किहड़ी पार्टी नूं मिलदा, क्योंकि इह कहिंदे वी लोकां दा प्यार ही इन्ना, अज ठाठा मार दा जिहड़ा कट है, अज मुख दफ्तर खोलिया गया श्रोमणी अकाली दल दा सेंटर हल्के दे विच, आने वाली 20 तारीख दसेगी कि कितना प्यार है किहड़ी पार्टी नाल ते किहड़े कैंडीडेट नाल, इह लोग दसणगे ते 10 मार्च नूं पता लगेगा। कैमरामैन विकास नाल राजेश मेहरा, सिटी ऑफ न्यूज़ लुधियाना।